एवरीबडी, वेलकम बैक टू खान्स किचन्स विद जी। आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे। आज मैं फिर से लेके आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया सर्दियों की ट्रीट। हम बनाने वाले हैं पीनट और सेसमी सीड की चिक्की। तो आइए देख लेते हैं उसे बनाने का प्रोसेस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वेलकम, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आज हम बनाने जा रहे हैं, आज की रेसिपी है पीनट चिक्की। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं उसमें है 2 कप ऑफ पीनट्स, ये रोस्टेड और पील पीनट्स हैं। इनको पहले मैंने रोस्ट कर लिया है पैन में और उसके बाद मैंने इनको पील किया है और थोड़ा सा जिप्लॉक बैग में डाल के इनको क्रश कर लिया। आप चाहे तो इसको आप साबुत भी रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पर 2 कप ऑफ जैगरी या गुड़, जो कि सेम क्वांटिटी है एज पीनट्स। उसके अलावा मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ऑफ घी। यहाँ मैंने लिया है 1/4 टीस्पून ऑफ इलायची पाउडर। उसके अलावा यहाँ पर है एक बोल में सादा रूम टेम्परेचर पानी, जिसको हम की गुड़ की कंसिस्टेंसी, गुड़ की चाशनी की जो कंसिस्टेंसी होगी वो चेक करने के लिए यूज करेंगे। तो आइए चलते हैं। ये पैन हीट हो रहा है, इसमें मैं सबसे पहले डाल दूंगी 1 टेबलस्पून ऑफ घी। हाँ जी, अब इस घी को मेल्ट होने देंगे। अभी तक मेरा फ्लेम हाई पे है। इस जैसे ही घी मेल्ट हो जाता है हम इसमें डाल देंगे ये 2 कप्स ऑफ, आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, कूट भी सकते हैं, क्रश भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो, गुड़। अब हमें इसको अच्छे से मेल्ट करना है, तो इसमें आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। अभी मेरी फ्लेम हाई पे है, जैसे ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा मैं फ्लेम को मीडियम पे कर दूंगी। अब आप देख रहे हैं कि इसके आसपास बुलबुले उठने लगे हैं, तो आप इसको स्टिर करते रहें। मेक श्योर आप इसको स्टिर करें और आप यहां से कहीं जाए नहीं, ये बहुत जल्दी जल सकता है। अब मैं अपनी फ्लेम को मीडियम कर दूंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ जब ये पूरा मेल्ट हो जाता है कि ये कैसा लग रहा है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं कि जैसे इसमें बुलबुले आ चुके हैं अच्छे से, और इसको मेल्ट होकर मैंने लो मीडियम फ्लेम पर मेल्ट होने दिया है। उसके बाद 3 मिनट तक मैंने इसको कुक किया है। अब आइए हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैंने प्याले में लिया है पानी, पानी में मैं इस लिक्विड को 1-2 ड्रॉप्स डालकर देखूंगी। ठीक है जी, जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमें इसे उठाकर देखना है। ये कट की आवाज से टूटना चाहिए, अभी ये बहुत ही च्यूई और गमी है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें इसको अभी थोड़ी देर और कुक करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब इसे और कुक करते हुए मुझे इसको 7 मिनट्स हो गए हैं और अब इसकी कंसिस्टेंसी एक बार हम फिर से चेक करके देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ये बहुत डार्क हो चुका है और अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करके देखते हैं कि ये कैसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये खट करके टूट चुका है और अब ये रेडी है कि हम इसमें पीनट्स डालें। और पीनट्स डालने से पहले हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ऑफ इलायची पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, डाल देंगे 2 कप्स ऑफ पीनट्स, 2 कप ऑफ गुड़, 2 कप ऑफ पीनट्स। अच्छे से मिक्स कर लें इसको। फ्लेम मेरी अभी भी लो पर है। इस तरह से मिक्स करें कि पीनट सारे अच्छे से कोट हो जाएं। आप ये पीनट चिक्की चाहे तो पूरी पीनट से बना सकते हैं, हाफ पीनट हाफ ड्राई फ्रूट से बना सकते हैं, चाहे तो पूरी ड्राई फ्रूट से बना सकते हैं। अब हम इसको ग्रीस्ड किए हुए पार्चमेंट पेपर पे या बटर पेपर पे फैलाएंगे और रोलिंग पिन से रोल करेंगे। तो मेरे पास 2 ग्रीस किए हुए पार्चमेंट पेपर है या बटर पेपर। आप ये एक बार जब इस कंसिस्टेंसी पे आ जाए आप इसको बंद कर दें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ऑलराइट, अब ये ग्रीस्ड किया हुआ पार्चमेंट पेपर है, इस पे मैं ये सारा जो भी मेरा तैयार हुआ है ये मैं डाल दूंगी। यहाँ पर मेरे पास एक दूसरी ग्रीस की हुई पार्चमेंट पेपर है, उसको मैं उल्टा इस पर फ्लिप करके रख दूंगी और इसको मुझे रोल करना है। तो आपको अब ग्रीस्ड रोलिंग पिन यूज करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास रेगुलर रोलिंग पिन है। मैं इसको आपको जितनी कंसिस्टेंसी की चाहिए, आई मीन जितनी थिकनेस की चाहिए, आप उस हिसाब से रोल करें। इसके लिए आप उठा के चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी थिकनेस आई है। ऑलराइट, इसको मैंने पार्चमेंट पेपर लगाकर रोल कर दिया है। अब आप इसको पहले थोड़ा सा ठंडा होने दें, उसके बाद इसमें कट्स लगा दें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा लगा। ऑलराइट, अब ये थोड़ी वार्म हो गई है, मतलब थोड़ी कूल डाउन हो गई है, हम इसमें कट्स लगा देंगे। आपको जितनी साइज की चाहिए उतने कट्स लगा दें,
में कट्स लगा देंगे और इसको 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि ये पूरी तरह से कूल डाउन नहीं हो जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। ठीक है जी, 30 मिनट्स के बाद आपको दिखाते हैं कि ये कैसा लग रहा है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब इसको 30 मिनट्स हो चुके हैं और ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। और अब आप देखिए कितना इजीली इससे निकल जाएगा। और आप इसको ऐसे निकाल कर, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्री कट्स लगा रखे हैं, तो आप इसके टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद देख रहे हैं कि ये कितना क्रिस्पी बना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको पूरे टुकड़े करके, मैं आपको दिखाती हूँ सर्व करके। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये है एंड प्रोडक्ट। ये बन गई है हमारी गुड़ की चिक्की। मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो प्लीज इसे जरूर ट्राई करिए। और आइए अब बना लेते हैं सेसमी सीड की चिक्की। हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है तिल की पपड़ी, या तिल पपड़ी जिसे हम कहते हैं सेसमी सीड्स की। तो इसके लिए हम इन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे, जिसमें है 1 कप ऑफ तिल और 2 कप्स ऑफ शुगर डबल, 1.5 टेबलस्पून ऑफ स्लाइस्ड पिस्ताशियो यानी कि पिस्ता 1.5 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून घी और 1 टेबलस्पून ऑफ रोज वाटर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में मेरा गैस मैं हाई पे अभी शुरू करूंगी। सबसे पहले पैन में मैं डालती हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ घी, और घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा हम इसको एकदम स्लो पे कर देंगे। और इसमें हमें ये पिस्ताचियो है जो 1.5 टेबलस्पून, हम इनको फ्राई करेंगे। हमें इनको तब तक इसमें सॉटे करना है जब तक कि ये फ्रेग्रेंट ना हो जाए, जब तक इनमें खुशबू ना आने लग जाए। इन्हें हमें जलाना नहीं है, इन्हें हमें ब्राउन नहीं करना है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब हमारे पिस्ताचियो फ्राई हो चुके हैं और मैंने पिस्ताचियो को घी के साथ इस बोल में निकाल लिया है। अब मैं इसी सेम पैन में 2 कप्स ऑफ शुगर डालकर इसे मेल्ट करूंगी। आपको अभी अपना फ्लेम मीडियम पे रखना है और इसके पास ही रहना है, कहीं जाना नहीं है। तब तक मेल्ट करना है जब तक कि शक्कर पूरी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि ये शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसको मेल्ट करने में मुझे 8 से 10 मिनट लगे हैं और मीडियम लो फ्लेम कंटिन्यूसली मैं इसको स्टर करते जा रही हूँ। और आपको इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना है। जैसे ये मेल्ट हो जाए तो हमने जो पिस्ते रोस्ट किए थे घी में, हम वो डाल देंगे इसमें। ऑलराइट, पिस्ते डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मेरे पास 2 कप ऑफ शुगर थी, फिर से बता दूं ये 1 कप ऑफ रोस्टेड सेसमी सीड्स हैं, तिल के दाने, आप इसकी जगह ब्राउन सीड्स भी यूज कर सकते हैं। और इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून ऑफ इलायची पाउडर। ठीक है जी, अभी मैं गैस को एकदम स्लो पे रखी हुई हूँ और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाएगा जिससे आपका इसका फ्लेवर बहुत ही एनहांस हो जाएगा। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, हर तिल अच्छे से कोट हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून ऑफ रोज वाटर यानी गुलाब का जल। इट्स दिस इज नॉट एसेंस, इसलिए मैं इतना डाल रही हूँ। अगर आपको एसेंस डालना है तो आप एसेंस भी डाल सकते हैं, फिर वो आप अपने हिसाब से डालिए, कुछ ड्रॉप्स में आई थिंक हो जाएगा। एंड देन अगेन इसको अच्छा सा मिक्स दीजिए। ठीक है, और अब ये ऑलमोस्ट डन है। इसको हम पार्चमेंट पेपर पर, ग्रीस्ड पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर पर डालेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ऑलराइट जी, अब मैंने ये डाल दिया इस पे। अब मैं ये ग्रीस पार्चमेंट पेपर पर एक और ग्रीस पार्चमेंट पेपर लगाकर इसे अच्छे से रोल कर दूंगी। आप इसकी थिकनेस अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आपको मोटी चाहिए, पतली चाहिए, जैसी भी चाहिए। मैं थोड़ी पतली प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा पतला रोल करूंगी। तो थिकनेस आप अपने हिसाब से रख लें। एक बार दिखाते चलूँ जी, बिल्कुल मुझे इतनी थिकनेस मुझे अच्छी लगती है, तो मैं इतनी थिकनेस रखूंगी। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा ऊपर से। राइट, ऊपर का पार्चमेंट पेपर हटाते चलूँ। जब ये गर्म है तब तक ही हम इस पर कट्स लगा देते हैं, सो दैट ये अच्छे से इजीली निकल कर आ जाए। आपको जितने बड़े जितने छोटे पीसेस चाहिए उस हिसाब से आप कट लगा दें, जो शेप चाहिए उस हिसाब से लगा दें। ठीक है, एंड फिर हम इसको 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, फिर ये ठंडी हो जाएगी, उसके बाद हम इसके पीसेस सेपरेट कर देंगे
और इसको सर्व करके आपको दिखाएंगे कैसी लग रही है। ठीक है जी, ये मैं थोड़ा डायमंड शेप में इसे काट रही हूँ। आप चाहे जिस शेप में काट सकते हैं, स्क्वेयर्स, रेक्टेंगल्स, डायमंड, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। फिर ये जब हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं 30 मिनट्स के बाद। राइट फ्रेंड्स, तो 10 मिनट्स हो चुके हैं। अनलाइक गुड़ की चक्की, इसको 30 मिनट्स नहीं चाहिए और मैंने इसको ऑलरेडी निकालना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजीली ये पार्चमेंट पेपर से निकल आती है। एंड ये देखिए, एंड आई वुड से कि आप एक बार जरूर इसको बनाकर ट्राई करिए और अपने फ्रेंड्स को खिलाइए, फैमिली को खिलाइए। और जिस तरह से मैंने आपको गुड़ की चक्की बनाना सिखाया था, ये उसी तरह की चक्की है, बट दिस इज ऑफकोर्स शुगर है इसमें। तो ये आपको एकदम डिफरेंट टेस्ट देगी। और ये हमारी मेरी मॉम की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है तिल की, जिसमें वो गुलाब का फ्लेवर और पिस्ता वगैरह डालती हैं। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि कैसा लगा है। मैं आपको बताती हूँ सर्व कर कर कि ये एंड रिजल्ट क्या है। ऑलराइट फ्रेंड्स, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये बन गई है हमारी शक्कर पिस्ता गुलाब के फ्लेवर और खुशबू वाली बहुत ही टेस्टी एंड यमी तिल की पपड़ी। सो प्लीज़ ट्राई करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर। वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, इससे आपको मेरी वीडियोस देखने को मिलेगी सबसे पहले, वो भी फ्री।